बाल दिवस के मौके पर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों ने मेले में अपनी अपनी दुकानें लगाकर अभिभावकों को अपना व्यापारिक हुनर दिखाया। स्कूल के लगभग 80 बच्चों ने अपनी दुकानें मेले में लगाई, जिसमें किसी बच्चे ने चाट फुल्की नाश्ते, किसी ने खेल खिलौने तो किसी बच्चे ने स्टेशनरी की दुकान लगाई। मेले को देखने पहुंचे बच्चे इन दुकानों पर फुल्की नाश्ते के आनंद लेते हुए नजर आए। कई बच्चे स्टेशनरी की दुकानों पर मोल भाव करते हुए नजर आए। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इस प्रकार के मेले में बच्चों द्वारा दुकानें लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर रहने की शिक्षा दी जाती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होता है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर में हर साल बाल मेले का आयोजन होता है। जैसी नगर से संतोष रामदेव की रिपोर्ट। मेरा नाम स्नेह अविष्कर। क्या क्या खरीदारी की आज? हम अभी फुल्कियाँ खा के आए हैं और बाकी यहाँ पे खाने की चीजें की ज्यादा दुकानें हैं। कैसा लगा मेला में आपको? बहुत अच्छा। बाल मेला ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें बच्चों ने कई प्रकार की मिठाइयों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें और इसके अलावा गुब्बारे, विविध प्रकार की दुकानें बच्चों ने लगाई हैं। लगभग 70 से 80 दुकानें हमारी यहाँ पर लगी हुई हैं और इसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि भैया बहनों को, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, उनका विकास करना। और ये जब छोटी अवस्था में, शिशु अवस्था में, बाल अवस्था में जब ये शुरुआत होती है तो बच्चों में एक जिसको कह सकते हैं अपन कॉन्फिडेंस, आत्म उत्साह बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों में और भविष्य में भी वो कुछ करने के लिए वो उनकी हिम्मत बनती है। इसलिए बाल मेला विद्यालयों के लिए बहुत आवश्यक है।